ज़बिल्ल बसमरम्निम वकाल तबारकावलकुरमजीद वफ़ुरानमीद कुतिबाल कम्सयाम कमबाज़ी रम़ानमबारक का मुबारक महीना है इस माह मुबारक में अल्लाह रब्ल्ज़्ज़त न ईमान वालों पर रोज़ फ़र्ज किए हैं आज कल बहुत से मसाइल ऐसे हैं रम़ानुमबारक के हवाले से कि जो जोमी उनकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती उनकी तरफ गौर नहीं किया जाता सबसे पहला मसला जो है वो रोज़े शहरी के बंद करने का मसला है जो अमूमन हमारे इन इलाक़ों में एक बड़ा आम सा है और उस पर अजान होती रहती है और हम अजान के आखिर तक और कद अजान के बिल्कुल आखिरी कलिमा तक खाते पीते रहते हैं तो ये मसला बहुत ज़रूरी है कि हमने शहरी का वक्त ख़त्म होते ही अपना खाना पीना मुकम्मल कर देना है आजान शहरी के वक्त के ख़त्म होने के बाद और तुलुए शहर के वक्त के दाखिल होने के बाद आजान दी जाती है उससे पहले पहले शहरी का वक्त ख़त्म हो चुकता है मिसाल के तौर पर अगर आज चार बज के आठ मिनट पर रोज़ा बंद हुआ है तो आजान कम अज़ कम बारह मिनट या पंद्रह मिनट पर दी जाती है तो इतना बड़ा फ़र्क है और इस फ़र्क के साथ अक्सर लोगों के रोज़े बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं वो आजान के आखिर तक खाते पीते रहते हैं इससे रोज़ा उनका ज़ाया हो जाता है उसका रोज़ा होता ही नहीं है तो लिहाजा ये बात बहुत ज़रूरी और अहम है और उसको ऐसे समझ लेना चाहिए कि हमारे रोज़े कहीं ज़ाया तो नहीं हो रहे हम चूँकि फैक्ट्री इलाके के अंदर रह रहे हैं और फैक्ट्री इलाके के अंदर जो फैक्ट्री का अपना सायरन होता है वही बहुत मुनासिब है दीगर मसाजिद जो भी उसी वक्त सायरन के हिसाब से अपना सायरन बजाएँ तो वह बहुत मुनासिब है और ये बात भी बहुत ज़रूरी समझ लेनी चाहिए कि अगर आजान को शायरी के वक्त से पहले दिया जाएगा तो आजान नहीं होगी और अगर आज़ान को शहरी के वक्त के बाद दिया जाएगा तो और उसके साथ साथ तो रोज़ा चलता रहा तो रोज़ा नहीं होगा ये बहुत ज़रूरी बात है जो जिसका हम अक्सर ख़याल नहीं करते और इसकी तरफ अक्सर हमारी तवज्जो नहीं होती फिर रोज़े की नीयत के लिए मखसूस अल्फ़ाज़ का कहना ज़रूरी नहीं है अगर अरबी के अलफा याद हैं और वह दोहरा लिए तो आप उन्हीं अलफ़ को कह दें तो बहुत मुनासिब है सुन्नत है मस्ताब है लेकिन दिल से इरादा कर लेना भी ये नीयत के अंदर आता है दूसरे नंबर पर किस वक़्त तक हम नीयत कर सकते हैं एक है कि हम नीयत करें रात से और हम नीयत करें रात को ही हमने कर दी और सुबह हमें याद नहीं रहा तो हमें ये अंदाज़ा है कि हम जो इस वक्त शहरी खा रहे हैं ये किस मकसद के लिए खा रहे हैं तो रात की नीयत भी मुनासिब है अगर कोई शख्स रात को नीयत नहीं करता और वो सुबह उसे नीयत भूल जाती है और जवाल से पहले पहले वो अपनी नीयत करता है तो उसका रोज़ा ठीक हो जाएगा अगर वो सारे दिन में ही रोज़े की नीयत नहीं करता तो उसका रोज़ा भी नहीं होगा और उसकी नीयत भी नहीं होगी फिर हमें ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता नाक और कान में दवाई डालने से कि जिसका असर हलक तक महसूस हो तो इससे रोज़ा टूट जाता है कसदन मुंह भर के क्या करने से ये रोज़ा टूट जाता है कुली करते हुए हलक में पानी चला गया और इसी तरह औरत को छूने से इंजाल हो गया इससे भी रोज़ा टूट जाता है कोई ऐसी चीज़ निकल ली जो अमूमी तौर पर नहीं खाई जाती जैसे कोई चना है या कोई लकड़ी की चीज़ है या लोहे का है या तस्बी के दाने हैं खा लिया उससे भी रोज़ा टूट जाता है इसी तरह आ, किसी किस्म का धुआँ जैसे सरगट है पान है सरगट है होक्का है इससे भी रोज़ा टूट जाता है फिर भूल कर खा पी लिया और भूल कर खा पी लेने के बाद उसे ख्याल आया कि भाई अब तो मेरा रोज़ा टूट गया है और फिर उसने कसदन खा पी लिया तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है ये तमाम चीज़ें वो हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है उस पर कज़ा लाजिम आती है कफ़ारा लाजम नहीं आता हाँ बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जान बूझ कर रोज़ा सुबह रखा और रोज़ा रखने के बाद जान बूझ कर खा लिया या अपनी घर वालों से सोबत कर ली इससे रोज़ा भी टूट जाता है और उससे इस इसका कफ़ारा भी लाज़िम आता है और फिर कफ़ारा क्या है कि वो एक ग़ुलाम को आज़ाद करेगा एक ग़ुलाम को आज़ाद करने के जैसे आजकल गुलाम नहीं है और उसकी कुत और शक्त और ताकत नहीं है तो फिर वो साठ दिन तक मुतवातिर रोज़े रखेगा यानी उन साठ दिनों में एक रोज़ा भी उसका कज़ा ना हो और अगर ये भी क़वत और ताक़त और सक़त नहीं है तो फिर साठ मस्किनों को दो वक्त का खाना खिलाएगा फिर जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता नहीं है मकरू हो जाता है बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या जैसे नमक का जायका चख लेना और उसका जायका हलक से नीचे ना जाए तो इससे भी रोज़ा टूटता नहीं है लेकिन मकरू हो जाता है फिर इस तरह कोई मंजन है या टूट पेस्ट है उससे रोज़ा टूटता नहीं है हाँ उसका असर हलक से नीचे चला जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा फिर इमूमी बात यह है कि अल्लाह रब्ल्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक में जिस इतने बड़े रोज़े का आज़र हमें अता फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद है बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको सिवाय भूख और प्यास के और कुछ नहीं मिलता यानी वो अपने रोज़े के जो अजर और वाब है उसे ज़ाया कर देते हैं और वह अजर और वाब किस तरह ज़ाया होता है गिबत कर ली चुगली कर ली और दीगर जितनी ऐसी बातें हैं किसी पर बहतान लगा दिया हसद कर लिया गलम गलोच कर ली लघवियात के अंदर लगा रहा गाने सुनता रहा और इस तरह की अपना वक्त ऐसे लघु बातों के अंदर गुजारता रहा तो इससे रोज़े का अजर ज़ाया हो जाता है रोज़ा टूटता नहीं है दुआ है अल्लाह से अमी सही मानों में मुबारक का एहतराम करने की और रोज़े की कदर करने की तोहफ़ी का तय फ़रमाए आखर दावाना रब्बिल आलमीन